तो स्टूडेंट्स वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो यस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीव्स। वी स्टडी अबाउट द लीव्स एंड हाउ लीव्स प्रिपेयर फूड एंड हाउ डज लीव्स स्टोर देयर फूड। टुडे आवर टॉपिक इज फ्लावर्स। सो लेट्स वी टॉक अबाउट द फ्लावर्स। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर हमारे प्लांट का एक बहुत ही ब्यूटिफुल पार्ट है। इट ग्रोज ऑन द स्टेम और ये स्टेम में ग्रोज करता है। इट अपीयर्स अ बड। ये एक बर्ड में पहले एक बर्ड होता है, पहले बर्ड के रूप में आता है। द बर्ड चेंजेज इन टू द फुली ग्रोन फ्लावर विच लेटर चेंजेज इन टू फ्रूट्स। फिर क्या होता है, वो बर्ड धीरे धीरे फ्लावर में चेंज होता है एंड देन आफ्टर फ्लावर जो है आपका चेंज हो जाता है फ्रूट्स में। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स क्या हैं, हमारे प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड अल्टीमेटली द सीड्स विच अगेन चेंज इन टू द न्यू प्लांट्स। हमारे फ्लावर्स का जो मेन फंक्शन होता है, हमारा जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उससे ही नए प्लांट बनते हैं। कैसे, एक्चुअली देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स। फ्लावर्स का मेन जो फंक्शन होता है फ्रूट को प्रोड्यूस करना। अगर फ्लावर किसी प्लांट में नहीं बनते हैं तो उसमें फ्रूट्स भी नहीं आते हैं। तो फ्लावर से क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं और अल्टीमेटली द सीड्स, और जो सीड्स होते हैं उसी फ्रूट्स के अंदर आते हैं विच अगेन चेंजेस इनटू द न्यू प्लांट्स, और उसी सीड से वापस नए प्लांट्स बनते हैं। तो फ्लावर्स में हमने ये जाना कि फ्लावर्स हमारे प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्लावर से ही जो है फ्रूट्स आते हैं और फ्रूट्स में ही सीड आते हैं और सीड से ही नए प्लांट्स बनते हैं। ये हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लें हम लोग। सम फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कॉल्ड नेक्टर। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके पास कुछ स्वीट मतलब मीठे स्मेलिंग सब्सटेंस, मीठे जो है खुशबू वाले सब्सटेंस होते हैं जिसे हम नेक्टर कहते हैं। फ्रॉम विच हनी इज मेड, जिससे हनी बनता है। हनी मीन्स होता है शहद। सम स्वीट ये तो हमने पढ़ लिया। सम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। कुछ जो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं उनका यूज हम परफ्यूम बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका प्लांट। प्लांट में आप देखोगे फर्स्ट स्टेज में ये बर्ड आता है, देन आफ्टर ये फ्लावर में कन्वर्ट होता हो गया यहाँ पे। देन आफ्टर देखो आप यहाँ फ्रूट्स आ गए, और जब हमने फ्रूट्स ओपन किया तो इसके अंदर देखो ये छोटे छोटे सीड्स हैं, और इस सीड्स को वापस हमने जब सॉइल में जो है शोन किया, देन आफ्टर एक नया प्लांट यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लावर्स का यूज दे रहा है कि फ्लावर से परफ्यूम भी बनता है, फ्लावर्स जो है बीज जो है हनी बनाते हैं, ठीक है। अब हम फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में थोड़ा बात कर लें। फ्रूट्स, फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर। फ्रूट जो है फ्लावर से बनता है। फ्रूट आल्सो प्रोटेक्ट्स द सीड्स। फ्रूट क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रूट्स हैव अ सिंगल और मेनी सीड्स। फ्रूट्स यहाँ पे मे होना चाहिए, MAY। फ्रूट्स मे हैव अ सिंगल और मेनी सीड्स इनसाइड देम। फ्रूट्स में क्या है कि या तो सिंगल सीड्स हो सकते हैं या फिर उसमें बहुत इससे एक से ज़्यादा सीड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो का अगर आप फ्रूट देखोगे तो उसमें कितने सीड होते हैं, एक, ओनली
सीड, और वही आप एप्पल ऑरेंज लेमन ले लीजिए तो उसमें है फ्यू सीड्स, उसमें कुछ ज़्यादा सीड्स होते हैं, दो, किसी में चार, किसी में छः, ऐसे होते हैं। पेरस पपाया, अगर आप पपाया ले लो एंड वाटर मेलन ले लो तो उसमें क्या है, उसमें सीड पे सीड निकलते जाते हैं, ठीक है, मेनी सीड्स होते हैं उसमें। मतलब हमने यहाँ पे ये जाना कि फ्रूट्स में जो होते हैं वो उसमें कुछ फ्रूट्स में एक सीड होते हैं, कुछ फ्रूट्स में दो या तीन होंगे और कुछ फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा सीड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप बहुत सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे इसमें, आप देखो जैसे ये एप्पल है इसमें 6-8 सीड्स होते हैं, मैंगो में एक सीड होता है, ठीक है। सीड के बारे में भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। सीड्स कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड देम, सीड के अंदर क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है। व्हेन दे गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट, जब उस सीड को वाटर मिलता है, एयर मिलता है और सनलाइट, ठीक है, वाटर एयर एंड सनलाइट जब मिलता है प्रॉपर क्वांटिटी में तो बेबी प्लांट जो उसमें होता है वो ग्रो फ्रॉम द सीड, वो बेबी प्लांट जो है सीड से बाहर ग्रो कर जाता है, ठीक है। द प्रोसेस बाई विच अ सीड ग्रोज इन टू अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब जब बेबी प्लांट जो है ग्रो करके सीड से बाहर आ जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि पूछ सकता है क्वेश्चन व्हाट इज जर्मिनेशन, ठीक है। तो व्हाट इज जर्मिनेशन, तो इसका आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस बाई विच अ सीड ग्रोज इन टू अ बेबी प्लांट, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बेबी प्लांट अपने सीड से बाहर आ जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। द बेबी प्लांट चेंजेस इनटू एन एडल्ट ट्री, फिर वो बेबी प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है और फिर इसके बाद एक एडल्ट ट्री में ग्रो कर जाता है। द एडल्ट ट्री अगेन प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स, फिर उस जो है जो ट्री होता है उसमें बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, फिर उसमें भी बहुत सारे सीड्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है, ओके। अभी हम बात कर लें, देखो यहाँ पे इस फिगर को आप देखो, ये सीड है, इसे हमने जब सॉइल में ग्रो किया तो इसमें से देखो बेबी प्लांट बाहर आया, इसी को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। फिर इसमें से प्लांट आ गया और फिर ये प्लांट और बड़ा हुआ, यहाँ पे ट्री बन गया, ठीक है। ये है जर्नी फ्रॉम सीड टू ट्री। अब फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स दोनों की बात कर लें। फ्रूट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, फ्रूट्स क्या है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सीड्स स्टोर फूड इन देम, सीड्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। वी ईट सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स, हम बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स ही खाते हैं, जैसे हम वीट, ग्राम, कॉर्न, राइस, बीन, ठीक है, ये सभी सीड्स हैं। हम लोग राइस चावल खाते हैं, हम लोग गेहूं खाते हैं, हम लोग चने खाते हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी सीड्स ही तो हैं। दीज आर कॉल्ड एडिबल सीड्स, तो ऐसे सीड्स जिसे हम ईट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एडिबल सीड। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ व्हाट इज एडिबल सीड्स, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, आप रिप्लाई करोगे सीड दैट वी ईट इज कॉल्ड एडिबल सीड, मोस्ट ऑफ द न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अधिकतर जो न्यू प्लांट्स आते हैं वो कैसे बनते हैं, वो सीड से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्ड्स टू रिमेम्बर में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसे आपको लर्न करने हैं। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसे आपको सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।